दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिक में रुचि रखते हो तब आप ग्लूगन के बारे में जरूर जानते होंगे। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वर्क से लेकर घर के टूटे फूटे फैशनेबल चीजों को जोड़ने के कार्य में आता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ग्लूगन फैक्ट्री में ग्लूगन और ग्लू स्टिक दोनों बनते हुए दिखाएंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ग्लूगन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने से पहले चलिए इसकी आउटर बॉडी पार्ट्स को 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। वैसे इनमें 7 जरूरी पार्ट्स होते हैं। पहले नंबर पे आता है इसका प्लास्टिक बॉडी, और फिर नोजल, प्लास्टिक ट्रिगर, स्टील स्टैंड, स्विच, पावर LED, और लास्ट में आता है कॉर्ड यानी वायर प्लग। इसी वायर प्लग की मदद से ग्लूगन को एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और ये वायर प्लग ग्लूगन के हीटिंग एलिमेंट से जुड़ा होने के कारण ग्लूगन हीट होने लगता है, और फिर जब हम इसमें ग्लू स्टिक को डालते हैं तो ये आसानी से पिघलना चालू हो जाता है, जिस कारण हम घर के किसी भी टूटे फूटे चीज़ों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसके बॉडी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले मोल्डिंग मशीन के द्वारा इसके प्लास्टिक बॉडी को बनाया जाता है, और फिर पिघले हुए ग्लू को एक पतले रास्ते से निकालने के लिए नोजल को तैयार किया जाता है, जिसे बनाने के लिए एक पतले रॉड को CNC मशीन में डालते हैं, और यह मशीन ऑटोमेटिक होने के कारण स्टील रॉड के ऊपर की परत निकाल कर नोजल की शेप दे देती है। इस तरह से नोजल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, और फिर नोजल के पीछे लगने वाले रॉड को भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से दोनों को जोड़कर कुछ इस तरह से बना लिया जाता है। अब स्विच को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा स्विच के छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करते हैं। अब ग्लूगन को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए वायर प्लग को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले केबल के आउटर कवर को छील कर इंटरनल वायर के कवर को भी छीलते हैं। अब इन वायर्स में तीनों टर्मिनल जैसे लाइट टर्मिनल, अर्थ टर्मिनल और न्यूट्रल टर्मिनल को अटैच करके इन नंगे टर्मिनल पर प्लास्टिक इंसुलेटर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। इस तरह से प्लास्टिक के प्लग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। और फिर लास्ट में स्टील स्टैंड को बनाने के लिए एक पतले स्टील के वायर को दोनों साइड से बेंड करते हैं, और बीच से दबाव देकर उसे स्टील स्टैंड का आकार दे देते हैं। इस तरह से अब सारे पार्ट्स बनकर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले ग्लूगन के बॉडी को ओपन करके हीटिंग एलिमेंट को असेंबल करते हैं। तो इसे असेंबल करने के लिए वायर से जुड़े रजिस्टर प्लेट के बीच में प्लास्टिक सेपरेटर को डालकर ऑरेंज कलर के प्लास्टिक से लपेटते हैं, जो कि सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है, जिसे रजिस्टर प्लेट डायरेक्ट नोजल से टच ना हो, और एक एल्युमिनियम प्लेट लगाकर क्लिप से लॉक करके पीछे से एक प्लास्टिक कैप को लगाते हैं, और फिर इस इंटरनल पार्ट को ग्लूगन के अंदर असेंबल करके ट्रिगर को लगाते हैं, और फिर उसी समय स्प्रिंग और स्विच को असेंबल करके ग्लूगन के दूसरे हिस्से वाले बॉडी से क्लोज कर देते हैं। अब इन बने हुए ग्लूगन को कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्क्रू लगाने के लिए ले जाते हैं, जहां एक घूमती हुई चक्री में स्क्रू डाला होता है, और ये स्क्रू एक एक करके स्क्रू टाइटिंग मशीन में पड़ती चली जाती है, और ये मशीन अपने नोजल की मदद से ग्लूगन में स्क्रू लगा देती है, और अगले स्टेप में इन ग्लूगन पर कंपनी का नाम लिखने के लिए ब्रांड प्रिंटिंग मशीन से दबाव देते हैं, और फिर स्टील स्टैंड को असेंबल करके इन्हें टेस्टिंग रूम में भेजा जाता है, जहाँ एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा इन ग्लूगन में ग्लू स्टिक को डालकर पिघलाया जाता है, जिससे ग्लूगन के हीटिंग पावर का पता चलता है, और इन्हें पैक करने के लिए ग्लूगन सेफ के बॉक्स में ग्लूगन को डालकर क्लोज कर देते हैं, और फिर इन पैकेट को सीलिंग मशीन के द्वारा सील करके एक बड़े से बॉक्स में डालकर पैक कर देते हैं। इस तरह से अपना ग्लूगन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी ग्लूगन यूज करते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। तो नंबर दूसरे पर आता है हॉट ग्लू स्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ग्लू स्टिक के बिना किसी भी चीज को मजबूती से जोड़ा नहीं जा सकता। तो ग्लू स्टिक को बनाने के लिए मुख्य तौर पर 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले पॉलिएस्टर ग्रेन्यूल्स के थैले को एक वर्कर द्वारा क्रेन की मदद से एक हीटर मशीन में डालते हैं,
जिसमें APAO यानी एमॉर्फस पॉली अल्फा ओलेफिन के लिक्विड को मिलाकर एक साथ पिघलाते हैं, जिसमें तीसरा इंग्रेडिएंट सीक्रेट होने के कारण कंपनियां किसी को नहीं बताती। और फिर इन बने हुए पेस्ट को शेपिंग मशीन में डालकर ग्लू स्टिक का शेप दे दिया जाता है, और इन बने हुए ग्लू स्टिक को ठंडा करने के लिए पानी के कंटेनर से गुजारा जाता है, जो कि ये लंबी रस्सी की तरह होती हैं, जिस कारण इन्हें छोटा करने के लिए कटिंग मशीन में डालकर 10 सेंटीमीटर पर काट लेते हैं। यदि इन ग्लू स्टिक को कलरफुल बनाने होते हैं तो शेप देने से पहले ही पेस्ट में कलर को मिला दिया जाता है, और लास्ट में ग्लू स्टिक की रेडियस को चेक करके एक बड़े से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा सारा नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे, और आप ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखकर अपने दिमाग को 1000 गुना तक बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।